आगे चर्चा था। अब वही एक ही मैच हम लोग पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं। इंडिया सही कॉल अंत में साबित हुआ था। 240 बिना भारत नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए, बस दिल में, तो दिल में थोड़ा वो कसर सी रह गई हो। पानी मंगाओ आपके लिए। नहीं नहीं मैम। और अब रोना आ रहा है कसम से इनके। नंबर वन T20 बैटर इन द वर्ल्ड, लख दी लानत में कहता हूँ, पिछले 10 साल से कुछ नहीं जीते, जहन्नम की लानत में कहता हूँ। आप भारतीय हैं तो आज आप निराश होंगे, क्योंकि लम्हा था जो हर किसी ने ये सोच रखा था कि लग रहा था कि इस बार ही कुछ होगा। केएल राहुल इमोशनल, मतलब ऑन हिज नीज, और बड़े वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार कहे के किंग हो भैया, और तो खूब बना लिए, 100 पे 100 लगा दिया। बायलेटरल के किंग होंगे आप, आईसीसी ट्रॉफी के किंग नहीं। आंखें डबडबाई हैं, जबान लड़खड़ा रही है, आदत हो गई यार, मतलब बहुत। और अनिल, इसलिए कहा जा रहा है कि क्या से क्या हो गया, देखते देखते तीसरी बार ट्रॉफी उठाने का सपना हमारा सिर्फ सपना बन के रह गया। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। भारत को आज ऑस्ट्रेलिया के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हवाले से मशहूर भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता आप दीदा नज़र आए और जज्बाती हो गए वो भारत की शिकस्त पर। मुकम्मल उनका तबसरा हम देखेंगे भारत की इस नाकामी पर। तो आइए दोस्तों चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लेकिन सुरेश नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए, बस कुछ तो कमी रह गई दिल में, तो दिल में थोड़ा वो कसर सी रह गई हो। पानी मंगाओ आपके लिए। नहीं नहीं मैम। नहीं, बट जो मर्जी कहिए आप इतना करीब भी आ जाएं। देखिए, डिफाइन तो वही होता है ना, वर्ल्ड चैंपियन जो 99 नहीं 100%, इंडिया 100% नहीं था। और आज जो मर्जी कहें, भारत का आज दिन खराब कहें, या ये कहें कि रोहित शर्मा का वो शॉट, या ये कहें कि केएल राहुल वो स्लो बैटिंग कर रहे थे, या ये कहें कि सूर्य कुमार यादव एंड में आके वो इंपैक्ट नहीं कर पाए, 47-3 आउट ऑस्ट्रेलिया भाई, उस वक्त तो हम लोग बैठे हुए थे और मुझे लगा आज तोड़ देंगे फोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद ट्रैविस हेड और मानस लबुशेन भाई मैच जिताने वाली पारी खेल के। देखिए इस वक्त श्वेता हैं, राहुल हैं, और श्वेता मैं देख रहा हूं कि इस वक्त कोई इंडियन फैन आपके आसपास नहीं है, मतलब इतने डिजेक्टेड, इतने मायूस। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 45 दिन में भारतीय टीम को ऊर्जा दी, लेकिन आज बहुत बड़ा सपना टूटा है, बहुत बड़ा सपना टूटा है। विक्रांत, ऐसा लग रहा है जैसे कि हारना था, एक दिन हारना था, वो एक दिन आज ही होना था। इस बात की मायूसी सबके भीतर है। देखिए, एक हार है और इसीलिए बहुत बुरा लग रहा है सबको कि आज का दिन, आज की हार कितनी चुभ रही है। शहर को 2 बजे हमें लगा कि भारत टॉप टीम है, लेकिन सुरेश टॉप टीम वही है जो एंड में कप लेकर जाए, वो ऑस्ट्रेलिया थी। और ऑस्ट्रेलिया को शायद बिग मैच जो हम बात करते थे ना कि यार जो टीम 5 बार वर्ल्ड कप जीती है, जिस दिन वो आ गई नॉकआउट मैच में, जिस दिन आपको वो मिल गई फाइनल्स में, वो टीम ज्यादा खतरनाक है। अच्छा हुआ भी है, टॉस वो जीते, उन्होंने कहा जी हम आपको पहले बैटिंग कराते हैं। हमने सोचा कि हमें तो बैटिंग करनी ही थी। उन्होंने शायद कंडीशंस को बेहतर रीड किया, वो जानते थे कि शाम को ड्यू गिरी भी, और उसके बाद गेंदबाज कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आज ऐसा लगा आप डर गए। मुझे लगता है कि जो पिच की चॉइस थी सुरेश, वो ना आपको बयान कर रही थी कि आप अपनी ताकत पर नहीं जा रहे हो, आप ना सामने वाले को ये सोच रहे हो स्लो टर्नर बना देंगे, थोड़ा नीचा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया उसमें मर जाएगा। हुआ उल्टा, आपने गड्ढा खोदा तो गड्ढे में तो आप ही गिरे ना, आपकी बैटिंग गिर गई। उसके बाद रोहित से 2 बार सपना तोड़ा है हमारा ऑस्ट्रेलिया ने, 2003 फाइनल साउथ अफ्रीका, उसके बाद जिस तरीके से आज हम हारे हो तो दिखा है, शायद वो फाइनल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। आप जो फैन से बात कर रहे हैं, दिल तो सबके टूटे हैं, उम्मीदें भी टूटी हैं। एक और बार एक फाइनल इंडिया फिर से चोक कर गया है, और अब रोना आ रहा है कसम से इनकी हालत देख के। सीरियसली दिल भी टूटा है, लेकिन हिम्मत करके आपके सामने एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी तरह ये घुटने टेक देंगे। मैंने हमेशा बोला कि भैया केएल राहुल से बड़ा चोकर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये नंबर वन T20 बैटर इन द वर्ल्ड, लख दी लानत मैं कहता हूं, 64 की साइगरेट बॉल नहीं लग रही इस बंदे से, 14 डॉट बॉल निकाल के गया, हिटिंग का टाइम पे कम से कम 4-5 बार तो यू भेजा। अगर तुम्हें लेट जा रहा है एक तो हिट कर दो। ट्रैविस हेलीकॉप्टर चला रहा वहां पे, ये स्लो रन बिकी नहीं हो रही थी। ट्रैविस भाई आज पिछले 10 साल से कुछ नहीं जीते, आज आप वन साइडेड फाइनल भी हार गए। आपकी वही गलतियां, ये मत मुझे बोलना कि सूर्य कुमार यादव से बेटर वनडे प्लेयर तुम्हारे पास नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पास है, इतना नहीं होता।
खिलाया नहीं तुमने भाई, आपने पर्चियां चलाई और वो पर्चियां हाँ। आपके उल्टा पड़ गई। आज भी आप बैठ कर दे सूर्य चमत्कार कर देगा हूं लास्ट के 10 ओवर में आके, जहन्नम की लालत में कहता हूं। सुशांत भाई 140 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ प्लेयर हैं, उसमें से आपने सूर्य को धक्के से बिट करना है। सबसे बड़ी लीग, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा डेप्थ क्रिकेट के अंदर। जब तक पर्चियां खिलाओगे कभी ना कभी तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास वापस आएंगे और तुम्हें हराएंगे। आज तुम हारे इसी वजह से हो कि टीम सिलेक्शन आज भी ठीक नहीं है। रोहित शर्मा आज भी अपना रोल ही नहीं समझ पा रहे भाई। अगर 40-47 ही खेलोगे हर मैच में, तो हर मैच में तो आके विराट कोहली नहीं बचाएगा। कोई जवाब नहीं है, कसम से जवाब दे ही नहीं सकता कोई। कोई बोल दे भाई ऐसा क्यों खेलता, हमें क्या पता भाई क्यों खेला है ऐसा, किसी को नहीं पता, इसी को पता बस क्यों खेलो मैं ऐसा। और ये तो नहीं है कि तू ट्रेविस हेड को नहीं मार सकता छक्के, या तू मिच मार्श को नहीं मार सकता, या आप वहां पे जाके जो भी आपके सामने बॉलिंग करी उसको नहीं मारते। यार तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इंडिया में मैच हो रहा था, पिच तुम्हारे मतलब की, ग्राउंड तुम्हारे मतलब का, 1.5 लाख आदमी तुम्हें सपोर्ट करने आया हुआ है, उन्होंने मार मार के तुम्हारा भरता बना दिया, तुम मैच में ही नहीं थे भाई। 130 तुम्हारी बैटिंग, अच्छा 10 ओवर में 80 बना लिए तुमने, जो तुम आउट होना शुरू हुए उसके बाद। केएल राहुल भाई साहब आए, सारा प्रेशर विराट कोहली पे, क्योंकि मैं तो अपनी विकेट बचाऊंगा, मैं तो बहुत महान प्लेयर हूं। विराट आउट हुए, एक तो पहले बम्बैया हमारा श्रेयस अय्यर भाई अपने कंधों का इलाज चबा के ना वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती जाती। ये कोई मुंबई इंडियंस का आईपीएल नहीं चल रहा जो उन्होंने प्लेटर पे रख के गिफ्ट करना है आपको, है ना, कि बच्चे आ गए हैं आप छक्के मारोगे, आप यूं करोगे तो यहाँ का छक्का मिल जाएगा, आप यूं करोगे तो यहाँ का छक्का मिल जाएगा। ना आप T20 वर्ल्ड कप में चले, ना आप आज चले, मैच जीत गए आज हो गया, आज पता चल गया किसका कोटा कहाँ है भाई। ऐसे झूठ नहीं बोलते, वनडे में जो आदमी पूरी जिंदगी नहीं चला वो वर्ल्ड कप फाइनल में चल जाएगा। इतने बेशरम हो तुम, उसको छुपा रहे हो। अगर आप भारतीय हैं तो आज आप निराश होंगे, क्योंकि देखिए इतने पास आकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के और फिर फाइनल मुकाबले में हार जाना, और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारना, वो टीम जो छठी बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी है, इस ट्रॉफी को जीत चुकी है, 6 विकेट से आज ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को हराया है। जहां देखिए आप सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि सुबह इन्हीं सड़कों पर एक भी पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, रोहित शर्मा जीतेंगे, विराट कोहली जीतेंगे। मेरे साथ तमाम हमारे खास मेहमान भी वहां हमारे नोएडा स्टूडियोज में मौजूद हैं। और पाजी आज दरअसल हर बारीकी को देखा, आज आकर ये वर्ल्ड कप का फाइनल हारना बुरा लग रहा है रोहित शर्मा के लिए सबसे ज्यादा? जी मुझे नहीं, मुझे तो सारी पूरी टीम के लिए लग रहा है। हाँ अगर वो रिटायरमेंट ले लेते तो बहुत बुरा लगता, अभी उन्होंने बहुत क्रिकेट और खेलनी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टीम होती है, टीम जीत दिलाती है। हाँ कप्तान की इज्जत थोड़ा मान भी ज़्यादा होता है, थोड़ा सा बुरा भी लगता है, बुरा लगता है क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन मुझे आज दुख है कि इतनी अच्छी टीम बनकर उसके बाद नहीं जीती, तो पूरी टीम के लिए मुझे दुख है, एक खिलाड़ी के लिए नहीं। वो वाकई में एक ऐसा लम्हा था जो हर किसी ने ये सोच रखा था कि अभी नहीं तो फिर आने वाले 10-12 साल नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल होने वाला है। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक आप कह रहे थे कि ये जो लेजर लाइट शो हो रहे हैं, ये जो तमाम आज तैयारियां की गई थी, ये उस नजरिए से शायद कहीं ना कहीं की गई थी कि इंडियन टीम जो है चैंपियन बनने वाली है आज रात, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लंबे अरसे के बाद एक लग रहा था कि इस बारी कुछ होगा। केएल राहुल अभी नजर आ रहे हैं बड़े ही इमोशनल, मतलब ऑन हिज नीज और बड़े भावुक, और यही शायद हर एक इंडियन का इस वक्त एक इमोशन है कि बहुत ज्यादा दर्द है और जो चीज हुई है। आई थिंक 44 पर जब 3 हुए तो सबको ये लगा, और आई थिंक प्लान्स भी बनने लगे होंगे कि अब जो है वर्ल्ड कप जीत की तैयारी कैसे होगी, क्या कुछ रहेगा। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड और मानस लबुशेन, दो अलग अलग इंडिविजुअल खेलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग। मानस लबुशेन वाले अंदाज से तो इंडिया की तरफ से बैटिंग चलती रही, बट ट्रेविस हेड गेम चेंजर। आज जो रोहित शर्मा की उन्होंने कैच ली थी, लक पूरे तरीके से उनके साथ था, रनआउट का भी चांस बन रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो आज पूरा उनके साथ था। लेकिन जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, सेमीफाइनल